Click on the bell icon to watch our latest videos. हमारे जो लोक कथाएं हैं और पुराणों में भी बहुत ही रोमांटिक स्टोरीज हैं जहां पर देवी देवता किसी राजकुमारी से मिलते हैं या किसी राजकुमार से मिलते हैं और उनकी शादी हो जाती है तो उस रोमांस के पीछे क्या रहस्य है सी शास्त्रों में विवाह के अलग अलग तरीके हैं तो अलग अलग प्रकार के जैसे एक होता है असुर विवाह असुर विवाह में जहाँ पे आप लड़की को खरीदते हो अच्छा फिर देव विवाह होता है देव विवाह में जहाँ पे आपने एक आदमी को बहुत अच्छा सेवा किया है तो दक्षिणा के रूप में वो अपनी बेटी को देता है या होता है ऋषि विवाह होता है कि ऋषि आके कहता है कि मुझे मेरे पूजा पाठ के लिए मुझे एक पत्नी यज्ञ पत्नी चाहिए तो राजा या पिता अपनी बेटी दे देता है गंधर्व विवाह होता है गंधर्व विवाह इज लव मैरिज तो उसमें रूल्स नहीं होता प्रेम से यहाँ श्रृंगार आता है तो ऐसे अलग अलग प्रकार के विवाह है पिशाच विवाह है जबरदस्ती से शादी करना ब्रह्म विवाह होता है जहाँ पे आप लड़की के पिता से पूछो कि मुझे शादी करना है आपकी बेटी के साथ तो ऐसे अलग प्रकार के विवाह लेकिन सबसे फेवरेट है गंधर्व विवाह जहाँ पे रोमांस होता है और ये कहानियाँ बहुत लोक कथाओं में मिलती है और शायद इसका एक कारण होगा कि हर ग्राम में ये देवियाँ होती थी हर ग्राम की ग्राम देवी होती है आप देखेंगे कि भगवान की दो पत्नियाँ होती हैं एक लोक पत्नी होती है जो ग्राम के साथ जुड़ी हुई है और एक अलौकिक पत्नी होती है जो देवताओं के साथ जुड़ी होती है या कोई कहेगा भोग पत्नी होती है जो दिनचर्या के लिए होती है और दूसरी मोक्ष पत्नी होती है जो आध्यात्म से जुड़ी हुई है सो ये एक कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन भी होता है और ये हमेशा श्रृंगार के फॉर्म से प्रेजेंट किया जाएगा एक रोमांटिक स्टोरी होगा जैसे जैसे मुरुगन की स्टोरी होती है कि मुरुगन एक ट्राइबल प्रिंसेस वर्ल्डी से बहुत प्यार करते हैं और उनको एन्चांट करने के लिए उनको रोमांस करने के लिए वो एक गणेश जी से हेल्प मांगते हैं कि आप हाथी का रूप लीजिए तो वो डर जाएगी और वो मेरे हाथ में आ जाएगी तो वो डर के मेरे पास दौड़ के आ जाएगी और मैं उसे पकड़ लूँगा और मैं हाथी को दूर भगा दूँगा आप चले जाओ इससे रोमांस शायद होगा तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ गॉड्स ह्यूमन बन जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स प्लेइंग द रोल ऑफ रोमांस सी ये रोमांस को इतना वैल्यू क्यों दिया गया है क्योंकि भारत में एक समय था जब या तो हम बहुत यज्ञ कर रहे थे बहुत सीरियस होता था और वो केवल ब्राह्मणों को समझ में आता था क्या कर रहे हैं वो लोग साधारण जन सर को समझ में नहीं आ रहा था क्या है ये इतना सीरियस होके यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये योगी लोग थे श्रमण लोग थे जो वैरागी थे जो मंक्स थे और वो लोग कह रहे थे कि ये सब माया है इस दुनिया से भागो वो फैमिली में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे विमेन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे केवल बैठ के ध्यान कर रहे थे अपना हेड को शेव करते थे तो दे वर नॉट एंजॉयिंग लाइफ तो लोगों ने कहा कि अच्छा मतलब एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ और भगवान के कोई संबंध नहीं है क्या तो ये कहानियों के माध्यम से बताना चाहते कि भगवान को भी विलासपूर्ण जीवन रस भरा जीवन पसंद है तो जो भगवान है जो विष्णु हैं शिवजी हैं कृष्ण हैं वो सांसारिक जीवन में भाग ले रहे हैं तो इस शादी के माध्यम से वो योग के बारे में बात कर रहे हैं पुरुष और प्रकृति का मिलन के बारे में बात कर रहे हैं एक फन वे में एक उत्सव के मूड में आई थिंक दैट इज द प्राइमरी आइडिया कि श्रृंगार उत्सव विवाह कि भगवान इज अबाउट डे टू डे लाइफ एंड इट्स अबाउट फन आई थिंक वो व्यक्त करना चाहते हैं पूजा पाठ के माध्यम देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में जब चाहो ऑन हो जाओ एपिक ऑन चलाओ डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप